चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, नीदरलैंड ने टॉस जीता था, उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया और बांग्लादेश को बैटिंग करने का मौका मिला। बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन सांतू एंड सौम्य सरकार दोनों ओपनर बैट्समैन थे। उन दोनों की जोड़ी ने 43 रन लगाए, लेकिन 5 ओवर एक गेंद में बांग्लादेश को एक नुकसान करना पड़ा। सौम्य सरकार जिन्होंने 14 गेंद में 14 रन लगाए थे। बाकी बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 144 पे 8 तक लेके गए और नीदरलैंड को 145 का टारगेट मिला। अगर नीदरलैंड की बात करें तो आज के मैच में नीदरलैंड का प्रदर्शन शुरुआत से उतना अच्छा नहीं रहा। नीदरलैंड की तरफ से विक्रम सिंह एंड मैक्स दाऊद ओपनर बैट्समैन थे। विक्रम सिंह को बिना किसी रन मिलते हुए वापस लौटना पड़ा। उसके बाद बस दिल्ली दे उतरे, उनको भी बिना किसी रन मिलते हुए वापस लौटना पड़ा। बाकी बल्लेबाजों ने भी ना हार मानते हुए नीदरलैंड को बांग्लादेश के बराबरी में लेके गए 20 ओवर में 135 रन। अगर आज के मैच का कंक्लूजन देखा जाए तो बांग्लादेश का प्रदर्शन अच्छा है और नीदरलैंड का प्रदर्शन बांग्लादेश के बराबरी में ही है। और एक मजे का चीज़ देखने को मिला, नीदरलैंड के ओवर की समाप्ति के साथ विकेट का भी समाप्ति देखने को मिला। इसी तरह अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे क्रिकेट संगम और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।